स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग आए दिन बड़ी बड़ी अपडेट या फिर उससे रिलेटेड हर कोशिश जो है वो करती रहती है। ऐसे में फिर भी बिहार के जिले की हाल देखी जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा करता है। जी हाँ, स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, जिसमें अस्पताल के एक कमरा है जहाँ पर एक मरीज बेड पर है और चारों तरफ लाइट कटी हुई है और मोबाइल की टॉर्च से ऑपरेशन जारी है। जी हाँ, खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहाँ के केंद्रीय राज्य मंत्री वाल्मीकि नगर सांसद और विधायक का गृह क्षेत्र नरकटियागंज के अनुमंडलीय अस्पताल में मोबाइल व टॉर्च की रोशनी से मरीजों का इलाज हो रहा है। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में प्रसव भी कराया जा रहा है और अन्य मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 दिनों से अनुमंडल अस्पताल का जनरेटर खराब है। बिजली चले जाने के बाद अस्पताल में अंधेरा कायम हो जाता है, जिसके बाद मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जाता है। अस्पताल प्रशासन द्वारा अस्पताल में लाइट के लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है। दरअसल ये जानलेवा लापरवाही है, जहाँ अंधेरे में मोबाइल टॉर्च के सहारे इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में किस तरीके का इंतजाम है, ये तस्वीर आप स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां बिजली नहीं रहने पर अंधेरे में मोबाइल की रोशनी के सहारे इलाज चल रहा है और ऑपरेशन भी कराया जा रहा है, जिसमें मरीजों की जान भी जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन या फिर जनप्रतिनिधि, जिनके गृह क्षेत्र नरकटियागंज में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज चल रहा है। बता दें कि मंगलवार की रात बाइक एक्सीडेंट में घायल 2 व्यक्तियों को पुलिस अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंची। अस्पताल में अंधेरा था, मोबाइल की रोशनी में चिकित्सकों ने जख्मी व्यक्तियों का इलाज किया है। मोबाइल की रोशनी में मरीज को टाका भी लगाया गया है, जिसके बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अनुमंडलीय अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में 2-2 प्रसव भी कराए गए हैं। इतनी भीषण गर्मी में भर्ती मरीज और उनके परिजनों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली नहीं रहने पर घंटों देर तक अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। हाथ पंखा चलाने व मोबाइल टॉर्च के सहारे रहने को मरीज विवश है। ऐसे में बिहार के अस्पताल का ये हाल है। जी हाँ, स्क्रीन पर चल रहे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि अस्पताल में लाइट नहीं है, क्योंकि अस्पताल का जनरेटर खराब है, जिसके कारण मोबाइल और टॉर्च की रोशनी से ऑपरेशन कराया जा रहा है। अगर उसमें कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्वास्थ्य विभाग या फिर पुलिस प्रशासन या फिर सरकार? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तत्पर है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करे, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार का ये हाल है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।